समूचा उत्तराखंड इस समय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित हुई राज्य की इस वर्ष की झांकी को समूचे देश में पहला स्थान जो हासिल हुआ है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि में जहां इस झांकी को मानस खंड की थीम देने वाले अधिकारियों, झांकी को खूबसूरत ढंग से निर्मित करने वाले कलाकारों का अहम योगदान है, वहीं झांकी में नजर आई पिथौरागढ़ के छोलिया दल ने भी इस उपलब्धि को हासिल करने में अहम भूमिका अदा की है। वहीं झांकी का बैकग्राउंड सॉन्ग जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल भी वाकई लाजवाब है, जो राज्य के कुमाऊं मंडल को प्रदर्शित करती इस झांकी के बीच समूचे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। अब जब तारीफों का दौर चल ही रहा है तो तारीफ उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने इस खूबसूरत गीत को अपने शब्दों में पिरोया है। आज हम आपको पहाड़ के उन्हीं लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हां, इस गीत के बोल वरिष्ठ रंगकर्मी जनकवि जनार्दन उप्रेती जन्नूदा ने लिखे हैं। बता दें कि मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हुड़ैती गाँव निवासी जनार्दन उप्रेती जन्नूदा अब तक 250 से अधिक गीतों की रचना कर चुके हैं। बताते चलें कि इस गीत के निर्माता पहाड़ी दगड़िया देहरादून हैं, जबकि इसका मनमोहक संगीत रणजीत सिंह ने दिया है। इस गीत की खूबसूरती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां इसे गणतंत्र दिवस परेड के थीम सॉन्ग के लिए चुना गया था, वहीं करीब 3 लाख से अधिक लोगों द्वारा यूट्यूब पर अब इस गीत को देखा जा चुका है। उनके लिखे इस गीत जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल, धारा नौला छन गंगा छु गाड़ा, कतु भर लागू म्यर पहाड़ा, को चांदनी इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल के बैनर तले 3 महीने पहले ही रिलीज किया गया है, जिसे युवा गायिका ममता आर्य, गायक सौरभ मेठाणी, गायक ललित गीतियार, गायक पंकज पांडे, गायक नीरज चुफाल, गायक अमित खरे, गायक विके आर्य और गायिका अंजलि खरे ने अपनी मधुर आवाज दी है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।